स्टूडेंट क्लास थ्री हिंदी व्याकरण पार्ट टू हिंदी वर्णमाला। बच्चों, जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुख से कुछ आवाजें या ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनियां कई प्रकार की हो सकती है, जैसे बस से निकलने वाली, भवन से निकलने वाला अजगर की ध्वनि। कुछ ध्वनियां छोटी होती है, जैसे है या वे। कुछ ध्वनियां और भी छोटी होती है, जैसे क, च, ट, प, य, अ, आ, हर्षई, हर्षव, उ, री, ए, ओ। इस ध्वनि में से छोटी कोई दूसरी ध्वनि नहीं हो सकती। ये ध्वनि, ये छोटी से छोटी ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला, हिंदी के सारे वर्ण जब एक साथ क्रम से लिखे जाते हैं तब उनका समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण, जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोला जाता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव स, मूर्धन स, धन स, ह। अब किसी व्यंजन वर्ण को बोल के देखिए। इन्हें बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण अ के उच्चारण की सहायता लेनी पड़ती है या नहीं? आपका उत्तर होगा हाँ। इसका अर्थ हुआ व्यंजन के उच्चारण में अ मिला होता है। ध्यान दीजिए, जब अ के बिना किसी व्यंजन को लिखना हो तो उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। उस तिरछी रेखा को हल चिन्ह कहते हैं। र और ढ, एक कविता है, पढ़िए। एक बाग में था आम का पेड़, उस पर लटके थे ढेर सारे आम। एक डाल से सीढ़ी लगाकर नंदू ने तोड़े मीठे मीठे आम। अब इसमें उच्चारण करना है आपको। र और ड और ढ और ढ के उच्चारण में आपको अंतर आ जाएगा। डाल, पेड़, सीढ़ी, ढेर। ये जो र और ढ भी हिंदी का व्यंजन माना गया है, लेकिन इसका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। इसमें र का प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में 4, 6, त्र, ज्ञ और स्र शामिल किया जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन दो दो व्यंजन के मेल से बनता है। क हलंत प्लस मूर्धन स इज इक्वल टू 6, शब्द हो गया क्षत्रिय, कक्ष, पक्षी, रक्षक। त हलंत प्लस र, त्र, शब्द हो गया त्रिशूल, त्रेता, त्रिफला, पत्र। ज प्लस य, ज्ञ, शब्द ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञाता। तालव स प्लस हलंत प्लस र, स्र, शब्द श्रवण, श्रोता, विश्राम, आश्रय। संयुक्त, ध्यान देना है इसमें कि संयुक्त व्यंजन में मेल के बाद व्यंजन का रूप जो है बदल गया है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या है? जब दो व्यंजनों को मिलाकर या सटाकर एक साथ लिखा जाता है तब उसके मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। संयुक्ताक्षर में पहला अक्षर आधा होता है, अर्थात यह अ के बिना होता है, जैसे क हलन। इसलिए उच्चारण करते समय संयुक्ताक्षर के व्यंजनों के बीच अ स्वर नहीं आता है। संयुक्ताक्षर का उदाहरण देखिए। च हलन प्लस च, शब्द बना बच्चा। त प्लस त, त हलंत प्लस त, शब्द बना पत्ता। ट हलंत प्लस ट, शब्द बना भुट्टा। क हलंत प्लस र, शब्द बना चक्र। र हलंत प्लस प, शब्द बना सर। ड हलंत प्लस र, शब्द बना ड्रेस। स्वर की मात्रा, किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजन में अ जुड़ा होता है, लेकिन व्यंजन के साथ किसी अन्य प्रकार को, अन्य स्वर को जोड़ने के लिए स्वर को मात्रा के रूप में लिखा जाता है। ये मात्राएं इस प्रकार होती है, आ की मात्रा आकार यानी मान, ई की मात्रा
हर्षई इसका मतलब मिलन, ई की मात्रा दीर्घई यानी मीन, हर्ष उ की मात्रा हर्षऊ यानी मुहर, दीर्घ उ की मात्रा दीर्घऊ यानी मुंह, री की मात्रा री मृग, ए की मात्रा ए मेल, ए की मात्रा आई मैल, ओ की मात्रा एकार मूल, औ की मात्रा औ मौन। यह भी जानिए जब हर्षव और दीर्घ की मात्रा व्यंजन के आर से मिलती है तब उसका रूप क्रमशः रू और रू हो जाता है, जैसे वरुण अरुण रुकावट रुपया रुधिर, ये हर्ष रू और बड़ी रू हो जाएगा रूप रूठना अमरूद शुरू जरूर। स्वर की भांति अनुस्वार चंद्रबिंदु और विसर्ग की भी मात्रा होती है, इनकी मात्रा इस प्रकार होती है जैसे अनुस्वार की मात्रा, अनुस्वार शब्द बना मंडप, चंद्रबिंदु की मात्रा शब्द बना मुंह, विसर्ग की मात्रा शब्द बना नमः।